अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज हम मोटिवेशन को कंटिन्यू करेंगे। इस पर हम बात कर रहे थे टॉपिक पे मोटिवेशन के हवाले से। बहुत सारी थ्योरीज हैं जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट लोगों ने पेश की हैं। इसके अंदर एक बेसिक थ्योरी है मोटिवेशन के अंदर, जो कि लिखी है इब्राहिम मैस्लो ने 1943 में। उन्होंने एक पेपर लिखा था, एक साइकोलॉजिकल रिव्यू लिखा था, जिसके अंदर वो थ्योरी उसने पेश की थी, अ ह्यूमन मोटिवेशन थ्योरी। ये एक बेसिक थ्योरी है मोटिवेशन के हवाले से, जिसके अंदर कुछ 5 लेवल्स हैं। एक पिरामिड बना हुआ है जिसके अंदर टायर 1, टायर 2, 3, 4 एंड 5 है। और इस पर इब्राहिम मैस्लो, उन्होंने कहा था कि ये किसी भी इंसान के अंदर ये 5 तरह की नीड्स होती हैं जो क्रिएट होती हैं। ये इस तरह फॉल करती हैं कि बॉटम टू अप ये जो है चलती हैं। अब इसमें 5 टायर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया। टायर 1, उसके अंदर जो है आपका फिजियोलॉजिकल नीड्स आती हैं। फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंदर आपका जो बेसिक नीड्स हैं किसी भी इंसान की, वाटर, फूड एंड शेल्टर, ये चीज़ें आ जाती हैं। एक इंसान के पास जब ये चीज़ें आ जाती हैं, तो उसके बाद इसको ही और शी नीड्स सेफ्टी। उसके बाद जो दूसरा टायर है, दैट इज़ सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स के अंदर उसको जो है सेफ्टी चाहिए, अपनी सेफ्टी चाहिए, इवन जॉब की सेफ्टी भी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, ये चीज़ें आ जाती हैं। सिक्योरिटी चाहिए होती है किसी भी इंसान को। इसके बाद जो थर्ड टायर है वो है सोशल नीड्स। अब सोशल नीड्स के अंदर क्या क्या नीड्स होती हैं किसी भी इंसान की, उसका सोशल सर्किल आ जाता है, उसके फ्रेंड्स, उसकी फैमिली, उसके जो रिलेशनशिप्स हैं वो आ जाते हैं। इसके बाद जो फोर्थ टायर है वो है सेल्फ इस्टीम, जिसके अंदर रिस्पेक्ट आ जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, रिवार्ड सिस्टम आ जाता है, ठीक है, रिकग्निशन आ जाती है, ये चीज़ें आ जाती हैं सेल्फ इस्टीम के अंदर। इसके बाद जो आखिरी टायर है, टायर 5, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का। और यहाँ पे वो लोग होते हैं जिन्होंने ये चारों जो फेजेस होते हैं वो क्रॉस कर चुके होते हैं, वो उनको फुलफिलमेंट कर चुके होते हैं इन फेजेस की। और फिर वहाँ पे वो बेसिकली क्रिएटिविटी की तरफ चले जाते हैं, वहाँ पे वो जो है फुलफिलमेंट की तरफ चले जाते हैं, वो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब इसकी मिसालें दूँ आपको, लाइक जो है बहुत बड़ी मिसाल है माइक्रोसॉफ्ट का जो बानी है बिल गेट्स। अब ये तो सारी टायर्स क्रॉस कर चुका है ना, अब वो एनजीओ पे काम कर रहा है, पूरी दुनिया के लिए काम कर रहा है, सही है, इंसानियत के लिए काम कर रहा है, वो कुछ नया करना चाह रहा है। अब उसकी ये सारे नीडें जो है ना वो पूरी हो चुकी हैं, अब वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में है। तो इस तरह बहुत सारे दुनिया के लोग हैं जो आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में मिलेंगे। इब्राहिम मैस्लो ने यह थ्योरी पेश की थी 1943 में। और ये थ्योरी बेसिकली जब कोई भी एमबीए का स्टूडेंट या ईएमबीए का स्टूडेंट जो है उनको पढ़ाया जाता है इस थ्योरी के बारे में, बिजनेस मैनेजमेंट और एथिक्स के अंदर या फिर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के कोर्स के अंदर। फ्रेंड्स, ये थ्योरी थी जो मैंने आपसे शेयर की। इन फ्यूचर आई विल ब्रिंग मोर थ्योरीज एंड यू नो सच स्टफ फॉर यू। थैंक यू।